कछुआ अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है। कछुओं में तैरने के लिए जालीदार पैर होते हैं। समुद्री कछुओं को विशेष रूप से एक जलीय जीवन के लिए अनुकूलित किया जाता है, जिसमें लंबे पैर होते हैं जो फ्लिपर्स और एक सुव्यवस्थित शरीर का आकार बनाते हैं। वे शायद ही कभी समुद्र छोड़ते हैं, सिवाय इसके कि जब मादाएं अपने अंडे देने के लिए तट पर आती हैं। हालांकि कुछ जैसे कि हरा समुद्री कछुआ चट्टानों और समुद्र तटों पर स्नान करने के लिए बाहर आते हैं। अन्य कछुए ताजे पानी में रहते हैं, जैसे तालाब और झील। वे तैरते हैं, लेकिन वे धूप सेंकने के लिए बैंकों, लकड़ियों या चट्टानों पर भी चढ़ जाते हैं। ठंड के मौसम में वे कीचड़ में दब सकते हैं, जहां वे तब तक तड़पते रहते हैं जब तक कि वसंत फिर से गर्म मौसम नहीं लाता। खाते में 300 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के साथ ये निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल है कि आप किस आकार की तलाश कर रहे हैं। आकार पूरी तरह से प्रजातियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक पालतू कछुआ है तो इसकी संभावना 4 से 12 इंच से अधिक नहीं होगी। हालांकि अब तक ज्ञात सबसे बड़ा कछुआ 15 फीट लंबा था, जिसकी लंबाई उसके सिर से लेकर उसकी पूंछ तक थी। वह एक फ्लिपर से दूसरे फ्लिपर तक 13 फीट चौड़ा भी था। आकार में बड़ी रेंज को ध्यान में रखते हुए उनके वजन के बारे में भी यही सच है। जबकि सबसे बड़े कछुए का वजन 2000 पाउंड से अधिक था, ये जानवर बीच में कहीं भी हो सकता है। अकेले समुद्री कछुए का वजन लगभग 420 पाउंड होता है, जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यदि आप कछुए के लिए एक विशेष रंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप निराश नहीं होंगे। वे व्यवहारिक रूप से सूर्य के नीचे हर रंग में पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं कि वे हरे हैं, हालांकि वे तड़पते हुए कछुए की तरह भूरे या काले भी हो सकते हैं। रंग मुख्य रूप से उस क्षेत्र से निर्धारित होता है जिसमें वे रहते हैं। कछुओं के समूह को कई चीजें कहा जा सकता है, जैसे गठरी, डोल या कछुओं का घोंसला। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जितना अलग अलग रूप बदलता है, उतना ही उनका व्यवहार भी भिन्न होता है। कुछ प्रजातियाँ एकांत होती हैं, जबकि अन्य अपने अधिकांश जीवन के लिए एक परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। समूहों को बेस या डोल कहा जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वह है जहाँ चीजें बहुत बदल जाती हैं। पालतू कछुए तब तक अधिक मिलनसार और विनम्र होते हैं जब तक कि उन्हें खतरा न हो। समुद्र में रेडियर स्लाइडर विशेष रूप से अनुकूल है, जो कई समुद्री कछुओं के बीच एक साझा प्रतिष्ठा है। हालांकि तड़क भड़क वाला कछुआ एक अलग कहानी है। अंततः शोधकर्ताओं ने पाया है कि तड़क भड़क वाला कछुआ उतना आक्रामक नहीं है जितना कोई सोच सकता है। इसके बजाय जब वे किसी इंसान से संपर्क करते हैं, तो वे जितना हो सके अपना बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने अगले भोजन की प्रतीक्षा में अपना दिन बिताते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राप्त करना जोखिम के लायक नहीं है। कछुए पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वे जमीन और समुद्र में रहने वाले कई अलग अलग वातावरणों के लिए अविश्वसनीय रूप से अनुकूल हैं। सबसे अधिक ये सरीसृप दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि उनमें से एक चौथ आने वाली संख्या समुद्री कछुए हैं। पानी में तैरने के लिए उनके पास अपनी दिशा और गति पर अविश्वसनीय नियंत्रण वाले फ्लिपर्स हैं। वे अपने बड़े शरीर के साथ गर्म शरीर के तापमान को भी बनाए रख सकते हैं, और वे अतिरिक्त वसा के साथ गर्म रहते हैं जो वे ले जाते हैं। भूमि आधारित कछुओं को ज्यादातर अपने बचाव के लिए अपने व्यवहार पर निर्भर रहना पड़ता है। खोल अपनी रीढ़ के साथ जुड़ा हुआ है, और इसे छिपाने के लिए सही सुरक्षित स्थान के बिना नुकसान पहुंचाना काफी आसान है। कछुए के जीवन का वह समय सबसे बड़ा संकट होता है जब वे युवा होते हैं। उनके गोले अभी भी काफी नरम हैं, और वे कई शिकारियों के लिए मेनू में हैं, बड़े और छोटे। कछुए जो कुछ भी पाते हैं उस पर चढ़ते हैं, झाड़ियों और फलों का आनंद लेते हैं जिन पर वे अपना मुंह ले सकते हैं। उपलब्ध होने पर वे छोटे कीड़ों का भी आनंद लेंगे। मनुष्य और प्रदूषण किसी भी प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। कछुए क्या खाते हैं? कछुए कई जानवरों की खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए पकड़ना आसान होता है। समुद्र में शार्क एक बड़ा खतरा है, हालांकि किलर व्हेल भी उनके पीछे भागेंगी। एक बच्चे के रूप में कछुए को कुत्ते, समुद्री पक्षी, भूत के कड़े और मछली सहित लगभग किसी भी जानवर द्वारा खाया जा सकता है। कछुए क्या खाते हैं? चूंकि कछुए का आहार इतना व्यापक होता है, इसलिए उसके लिए अपने भोजन के लिए कुछ खोजना आसान होता है।
हालांकि अधिकांश भूमि कछुए पास के पत्ते खाएंगे, वे कैटरपिलर और अन्य अकशेरुकीय भी खाएंगे जो उन्हें आवश्यक प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। समुद्री कछुए और जमीन पर रहने वाले कछुओं के साथी का तरीका थोड़ा अलग होता है। समुद्र में नर तैरते समय मादा की पीठ के पास पहुंचता है, उसके पंजों को पकड़ता है। हालांकि भूमि आधारित कछुए उनके दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं, आमतौर पर जीवन के लिए संभोग नहीं किया जाता है। प्रजातियां 5 से 10 साल पुरानी हो सकती हैं, इससे पहले कि वे संभोग के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हों। चूंकि कछुए सरीसृप हैं, इसलिए वे अंडे छोड़ते हैं। अधिकांश समुद्री कछुए अपने अंडे जमीन पर रखेंगे और उन्हें पीछे छोड़ देंगे, जिससे उनके बच्चे जन्म से ही अपनी देखभाल कर सकेंगे। अन्य प्रजातियां अपने अंडों को अंडे सेने के लिए छोड़ने से पहले 2 साल तक अपने शरीर के अंदर रखती हैं। अकेले समुद्री कछुए इन सरीसृपों में से 6.5 मिलियन के लिए खाते हैं। हालांकि ऐसी कई प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। भूमि आधारित और समुद्र आधारित दोनों की कई प्रजातियों के लिए संख्या स्थिर लगती है।